जब पल्लवी की बहन अनुप्रिया पटेल ने आरएलडी चीफ जयंत चौधरी का एनडीए में स्वागत करने का किया ऐलान। जब अनुप्रिया ने जयंत को लेकर एनडीए का बताया बड़ा प्लान। अब अखिलेश के चाचा शिवपाल ने संभाला मोर्चा। अनुप्रिया की ओर से जयंत के लिए स्वागत वाली राजनीति पर शिवपाल ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, तो सियासी गलियारों में होने लगी चर्चा। शिवपाल के दावे ने अनुप्रिया के भ्रम को तोड़ा, जो वो सोच रही थी उस पर से उठ गया पर्दा, तो टेंशन तो जरूर हुई होगी। सियासी गलियारों में इस वक्त एक दावा जोर शोर से हो रहा है कि इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लगने वाला है। झटका ये कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी बीजेपी के संपर्क में हैं। इसी का परिणाम है कि छपरौली में होने वाली सभा भी आरएलडी की ओर से कैंसिल कर दी गई। ऐसा कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऐसी चर्चा है कि जयंत चौधरी और बीजेपी के सीनियर नेताओं के बीच एनडीए में शामिल होने को लेकर बातचीत चल रही है। कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से जयंत चौधरी को पश्चिमी यूपी की 4 लोकसभा सीटों का ऑफर दिया गया है। इन खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री और अपना दल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने जयंत चौधरी का एनडीए में स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए कहा, मैंने मीडिया रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें कहा गया है कि आरएलडी एनडीए परिवार में शामिल होने जा रही है। मैं अपनी पार्टी की ओर से उनका स्वागत करती हूं। मैं यूपी या कहीं और से किसी भी पार्टी का एनडीए में शामिल होने का स्वागत करूंगी ताकि एनडीए मजबूत हो। अब अनुप्रिया ने तो ऐसा कह दिया, लेकिन सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने जिस विश्वास के साथ जयंत चौधरी की राजनीति का विश्लेषण किया, उसे सुनकर वो दंग जरूर होंगी। सोच में जरूर पड़ेंगी, दिमाग में बात तो जरूर आएगी, अरे सोचा था क्या, क्या हो गया। आप भी सुनिए शिवपाल ने जयंत चौधरी को लेकर क्या कहा। अरे आईडी नीचे कर लो भाई, राधी भाई नहीं, आईडी नीचे करो, क्या लिखे उस्मान पकड़ लो, उस्मान पे लिख लाइन थोड़ी ऊपर करना है ना, किया जा रहा है, अब वो कहीं नहीं जा रहे। तो यार आधा चुनाव आधा लोग भारतीय जनता पार्टी को शिवपाल कह रहे हैं, जयंत को अच्छी तरह से मैं जानता हूं, वो सेकुलर लोग हैं। ये देखिए बीजेपी की ओर से भ्रमित करने का प्रयास हो रहा है, वो कहीं नहीं जा रहे, वो इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे और वो बीजेपी को हराने में अहम भूमिका निभाएंगे। एक तरह से शिवपाल ने सीधा सीधा जयंत चौधरी को लेकर जो दावा किया जा रहा है उसे बीजेपी की ओर से फैलाया गया भ्रम करार दिया। लेकिन इस तरह की अटकलें क्यों लग रही हैं, उसके पीछे जो एक तर्क सामने आया उसके मुताबिक जयंत चौधरी ने अपना एक बड़ा कार्यक्रम भी रद्द कर दिया है। 12 फरवरी को पिता अजीत चौधरी की जयंती पर छपरौली में सभा होनी थी जहां उनकी 12 क्विंटल वजनी आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण होना था। इस कार्यक्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बुलाना पड़ता, दावा किया जा रहा है इससे बचने की कोशिश में जयंत ने कार्यक्रम ही टाल दिया। पिछले माह समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन था। समझौते के मुताबिक सपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 लोकसभा सीटें आरएलडी को देने का वादा किया था। हालांकि सीटों की घोषणा आधिकारिक तौर पर नहीं की थी। माना जा रहा है कि ये सीटें बागपत, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा और कैराना थी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा था, राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन की सभी को बधाई, जीत के लिए सभी एकजुट हो जाएं, जुट जाएं। अगर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं तो इंडिया गठबंधन के साथ साथ अखिलेश यादव को बहुत बड़ा झटका लगेगा। आरएलडी और सपा पिछले कई चुनाव साथ लड़े। इतना ही नहीं, जयंत चौधरी को सपा ने ही राज्यसभा भेजा था। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने आरएलडी को 4 लोकसभा सीटें बागपत, कैराना, मथुरा और अमरोहा ऑफर की है।